गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अब ऐसे ही थोड़ा एक हफ्ते तक उठने में लेट हो जाएगा, नाइट शिफ्ट में ऐसे ही दिक्कत होता है। ये अभी बाहर का मौसम है, बहुत खतरनाक तेज़ वाला धूप हुआ है, सो अभी मैं एक राउंड लगा लेता हूँ। इससे ज़्यादा अभी धूप में ज़्यादा टहलना भी सही नहीं है, तो सुबह सुबह उठ नहीं पाया। अभी इस समय करीब एक घंटा पहले उठ गया था मैं, तो बस अब थोड़ा टहल के रूम में चलते हैं। गाइस अभी 12:15 हो रहा है एंड स्नान वगैरह करके रेडी है और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, ऑमलेट बनाया है ब्रेकफास्ट में, खाते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर कुछ देखते हैं, निकलते हैं तो आपको मिलते हैं बाहर। सो गाइस एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और हवा पहले से भी तेज़ चलने लगा है। लास्ट टाइम जब आया था तो गर्मी था, अभी भी गर्मी है बट हवा अभी भी बहुत तेज़ चलने लगा है, पहले से तेज़ चलने लगा, दिख रहा होगा माहौल। तो मैं केवल ऑमलेट बना पाया हूँ, ऑमलेट से सुबह सुबह पेट तो भरता नहीं है, देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर धूप है। फिर भी अंकल जी लोग देख रहे हैं, बेच रहे हैं साइकिल पे गुब्बारे वगैरह, रोजी रोटी का सवाल है, पता नहीं इतनी धूप में कौन आए। सो पहले मैं सोच रहा था इडली खा लूँगा बट अभी मूड नहीं हो रहा इडली वगैरह खाने का, कल खाया था ना तो रोज़ एक ही तरह से खाने का नहीं दुकान है इडली का, बट मैं आज नहीं खा रहा हूँ। कुछ खाना तो चाहिए तो मैं कुकीज़ ले लेता हूँ, यहीं बगल में दुकान है ग्रामीण, तो यहाँ से लेंगे कुकीज़ लेने। अंदर आ गए हैं, देख रहे हैं कोई अच्छा सा मिल जाता। ये जीरा कुकीज़ है, बहुत सारे कुकीज़ की वेराइटीज़, मेरे को कौन सा चाहिए। ये ले लिया, अच्छा बिस्कुट है और ठीक ठाक पैकिंग है। एक्चुअली चाय पीना है इसलिए कुछ खा लेते हैं पहले, तो चाय पियेंगे। चाय आ गई अपनी। सो गाइस 12:40 हो चुके हैं, अब धीरे धीरे रूम की तरफ चलते हैं एंड लंच वगैरह बनाना है। सो गाइस अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे रूम पे। बहुत भयंकर धूप है, ज़्यादा देर धूप में रहना भी सही नहीं है। सो गाइस लीची का पेड़ देख रहे होंगे आप, लीची अच्छे से भरा हुआ है इस बार। एंड फाइनली रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अब लंच बना के आपसे मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में पूरा देखिएगा। गाइस फाइनली 3:10 पे लंच रेडी हो गया, एक्चुअली बीच में लाइट चला गया था, काफ़ी दिक्कत हुआ लंच बनाने में, सिंगल सिलेंडर पे एक बार में एक ही आइटम बनता है, इसलिए हो गया। फाइनली लंच रेडी है, आपको भी दिखाते हैं। इस लंच में है आलू बोदी की सब्जी, चपाती, साथ में दाल है, ये आज का अपना लंच है। सो लंच करते हैं, 3:15 हो गया, 3:30 से मैच स्टार्ट होने वाला है गुजरात का, तो देखते हैं और मैच देखते रहिए और बने रहिए ब्लॉग में। जैसे 5:30 हो रहा है और अभी निकलते हैं बैडमिंटन खेलने, एक हफ्ते का गैप हो चुका है बट चलते हैं खेलते हैं, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो बैडमिंटन खेलने वाली जगह कोर्ट पे पहुंच चुके हैं, तो हम ही आए हैं सिंगल, कोई पहुंचा ही नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा वार्म अप होते हैं। खत्म हो गया और अभी गन्ने का जूस, एंड गाइस फाइनली 7:20 रूम के अंदर आ चुके हैं,
थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं। तो गाइस एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो वही मोमोज के लिए आ गए इधर, तो चलते रूम पे चाय भी पी लेते हैं गर्मा। तो गाइस चाय वगैरह पी चुके हैं, मोमोज खा लिए, तो थोड़ा हैवी हो चुका है। और डिनर के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो बनाना नहीं है आज, क्योंकि लंच में एक्स्ट्रा बना लिए थे। एक्चुअली आज सिटी स्टाइल जाने का प्लान था, कुछ सेल वगैरह लगाया, मैं कह रहा था सिटी स्टाइल जाने वाले थे, ईद का कोई ऑफर आने वाला था, बट प्लान कैंसिल कर दिया। कल जाएंगे, संडे है कल, तो कल कोशिश करेंगे। और कल सेक्टर 3A भी जाना है, तो दोनों एक साथ कवर करेंगे। फिलहाल रूम में चलते हैं, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस फाइनली अब डिनर करते हैं, 9:15 हो चुका है। तो मैं बनाया था दाल, गोभी की सब्जी एंड चपाती, तो यही है डिनर में। नाइट वाली स्टार्ट है, तो अभी 9:45 के आसपास निकल जाएंगे। एंड गाइस इस ब्लॉग में अगर अच्छा लगा है कुछ तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।